हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर IDM बार अपीयर नहीं होता है YouTube की वीडियोस पे तो आपको IDM खोलना है, फिर डाउनलोड्स ऑप्शन Google Chrome, इंटरनेट एक्सप्लोरर, Mozilla, इस पे आपको चेक कर देना है, फिर नीचे जाके कस्टमाइज IDM पे एडिट कर देना है, शो डाउनलोड देन एक्सेप्शन, अगर यहाँ पर YouTube.com हो तो उसको आप हटा दें, फिर ओके, फिर कस्टमाइज IDM, टेक टेक फायरफॉक्स में टेक टेक ओके 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 और अब हमें चेक करना है कि YouTube की वीडियोस पर IDM बार अपीयर हो रहा है कि नहीं। इसके लिए Google Chrome खोला या फिर कोई भी ब्राउजर और YouTube की कोई भी वीडियो सर्च करी। मेरी उम्मीद से तो हो जानी चाहिए। ओहो नहीं हो रही, वीडियो चल गई लेकिन कोई भी IDM का बार अपीयर नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी भी IDM बार नहीं आ रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि IDM का लेटेस्ट वर्जन होना कंपलसरी है, लेकिन मैं इसके बिना ही ये कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। अब हमें ओपन करना है माय कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क सी, उसके अंदर प्रोग्राम 5686, उसके बाद इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इस पे ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है idmgcext.crx, ये फाइल। हाँ, इस फाइल को हम गूगल क्रोम के एक्सटेंशन पे इंस्टॉल कर देंगे। तो उस फाइल को उठा के आपको क्रोम के एक्सटेंशन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि IDM कहाँ पर है। IDM मैं यहाँ पर ढूंढूंगा और वो नीचे कहीं मिल जाएगा शायद, यार लग तो रहा है। देखिए ये रहा, ये डिसेबल्ड है। अब मैं इस पर टिक कर दूंगा और ये इनेबल हो जाएगा। अब हम वापस जाते हैं, यहाँ पर तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करा और ये आ गया। अगर ये फिर भी नहीं आता है तो क्रोम को रिस्टार्ट कर देना। और अब डाउनलोडिंग भी हो रही है और मैं आपको IDM में चेक करा देता हूँ। ये देखो, मुझे लगता है मैं आपको ये सारी डिटेल देने में कामयाब रहा। अब चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ओके बाय। ओ चलो ए, तू फिर आ गया, निकल यहां से।